विश्वं दर्पण दृश्यमानं पश्यन् निष्ठा ब्रह्मात्म विद्या द्युति दलित तमस्तोम विद्वन मणिनाम श्री पूर्णानंद जगति विदेते सत्प्रतिष्ठा कुंजांतर वल्लवी ब्रज वेष्टितं नयनानंदं नटन्तं नंदनंदनं श्रवण करो व्यापक कीर्तन करो व्यापक स्मरण करो व्यापक विष्णु है व्यापक देवेशी विश्वास ही विष्णु हो तो संपूर्ण विश्व का बेष्टन है। एक एक कण को और समग्र विश्व को घेर करके जो बैठा हुआ है उस परमेश्वर का श्रवण करो। उपनिषद तुमने जाओ तो जतो वाई भूतान जायते तो आदि में बैठ के सृष्टि को घेरता है और जब प्रयम की अभिषम विषम थी अंत में बैठ के सृष्टि को घेरता है। सृष्टि के आदि में वही अंत में वही बीच में सृष्टि है तो वो घेर जाता ही जीवन थी बीच में जो कुछ है उसको भी घेर कर ऐसा कोई क्षण नहीं है ऐसा कोई क्षण नहीं है जिसमें परमेश्वर न हो। तो ऐसी बात मत सुनो जिसमें परमेश्वर का श्रवण कीर्तन और स्मरण न हो। पर इस बात को पुराण कैसे सुनाते हैं इसका एक उदाहरण आपको देते हैं। श्रीमद भागवत की भी बात प्रतिदिन ऐसा होता था कि प्रातःकाल ग्वाल बाल छोटी छोटी ग्वाल में यशोदा मैया के दरवाजे पर आ जाते थे कि जब हमारे प्राण प्यारे श्याम सुंदर जी तक से बाहर आएंगे तब हम उनका दर्शन करेंगे। वो अपने घर में पहले ही उठते थे बल्कि अपने माँ बाप को भी जगाते थे हमको श्याम सुंदर के साथ जाना है तो तुम जल्दी से हमारा स्नान करा दो हमारे तिलक लगा दो हमको कुछ खिला दो भोग लगा के ठाकुर जी को जल्दी से हमको प्रसाद दे दो हमको श्याम सुंदर के साथ। और अभी श्याम सुंदर के बाहर निकलने से पहले ही भीड़ लग जाया करती थी। आपका देखो घर देखा हुआ है बालक देखे हुए हैं छोटी छोटी लड़कियां देखी हुई हैं बच्चे देखे हुए हैं आपको बिल्कुल देखी हुई चीज के साथ नंद बाबा के दरवाजे पर ले चलते हैं वहां दरवाजा फिर मैया श्याम सुंदर को जगाती है जब उठते हैं तो अंगड़ाई लेते हैं
आंखों में काजल लगा रहता है, उसको हाथ से मल देते हैं, फिर पलंग पर उसके बैठते हैं, दोनों पांव लटका लेते हैं, मैया जाके उनका हाथ मुंह धुलाती है, नित्य कर्म कराती है, स्नान कराती है, गोरों से उनका तिलक लगाती है, बाल संवारती है, बरनहा पहनाती है, कुछ खिला पिला के कुछ साथ दे के बछड़ों को चरने के लिए प्रतिदिन वन में बछड़ों को चराने के लिए देखते हैं। ईश्वर वो है नन्हे नन्हे बछड़ों को चराने के लिए वन में जाता है। अब ये बाबू तक से जो निकला सिर पर मयूर बिच का मुकुट, ललाट पर गोरो का तिलक, काले गुजराले महीन बाल लटके हुए, वृक्षा तिलक, गले में बदनाहा अबनमाला, बाजू बंद संतन पीताम्बर मुकुट और चम चम समझता हुआ निकला, एक एक से मिलता। परंतु एक दिन ऐसा हुआ, ग्वाल बाल और गोपियां तो सोती ही रह गई, ये भागवत की कथा। श्री कृष्ण सबसे पहले होते हैं और उसके भैया ने श्रृंगार कर दिया, बांसुरी भी ली और सींग भी लिया, बजाने के लिए श्रृंगारकार बाजा होता है। जैसे तो हम लोग बचपन में हरिंद के सींग जिसके बाजा बनाते थे याद है, और भी श्रृंग के बाजे होते हैं, परंतु वैष्णव लोग कहते हैं कि नहीं, वो सींग का बाजा नहीं था, वो सींग के आकार में कोई धातु का बना हुआ ही बाजा था, भगवान अपने मुंह में सींग कैसे डालेंगे। तो निकल के बाहर कोई नहीं, निग्वाले निग्वाल, बड़े जोर से भगवान ने सींग बजाई, ग्वाल बाल निकले, आगे आगे करे बछड़े, लाखों लाखों बछड़े आगे आगे, कुछ देवता हैं, कुछ ऋषि हैं, कुछ मुनि हैं, सब बछड़ा बन करके आए हैं। अरे ना बाबा, ये जो गांव के जैसे गायों के बछड़े होते हैं वैसे ही बछड़े हैं, और भगवान को उनके पीछे चलने में कोई शर्म थोड़ी आती है। जब बलराम जी उत्तर नहीं आए, क्योंकि उनका जन्म नक्षत्र था, बलराम जी नहीं आए। देखो छोटी सी लीला क्या भी ग्रहण करते है, उस पर वन में गए, वन में खेलने लग गए, ऐसा ग्वाल बालों के साथ खेलने लगे कि ग्वाल बालों को भूल गया कि हमसे बड़े हैं, और कृष्ण को भूल गया कि हम इनसे बड़े हैं। खेलन में को का को गुठैया, वो समाचार महाराज कभी कुंडल समझ जाए आ जाए, कभी बांसुरी बजाए, और ऐसा खेल जमा, ऐसा खेल जमा कि बड़े छोटे का भाव मिट गया। इत्थं सतां ब्रह्म सुखानुभूत्या दास्यं गतानां परदैवतेन मायाश्रितानां नरदारकेण पापं विजहतु कृतपुण्य पुञ्जा। ये साक्षात संतों के ब्रह्म है, ब्रह्मानंद की अनुभूति है, ये बड़े बड़े भक्तों के पर देवता है, ये इन ग्वालों के लिए साधारण बालक है, उनके साथ ये ग्वाल बाल पूजा कर रहे हैं। यश पाद पाम पुरुष बहुजन्म पृथ्वी कृतात्म विर जोगी रम्य स्व जया स्वयं पिता तुम वर्ण से ब्रजवासियों के सौभाग्य था। क्या कोई वर्ण है, इसी बीच में एक असुर था, वो पूतना का माने अविद्या का छोटा भाई था, और बकासो माने दम्भ का, अविद्या और दम्भ, पति बकानुजा, अविद्या पूतना नष्टा बको दम्भा,
बतासुर ब्रह्म है और पूतना अविद्या है। तो श्री कृष्ण ने पूतना को अविद्या को भी नष्ट कर दिया और ब्रह्म को भी नष्ट कर दिया, इसलिए उनका जो छोटा भाई है अघ, उसका नाम था अघासु। न हन्यते भोगम बिना, गुण वो होता है जो बिना भोगते नष्ट हो सकता है, परंतु पाप वो होता है जो बिना भोगे नष्ट नहीं होता। बड़ा बारीक को उसका उसके मन में ईर्ष्या है, ये ईर्ष्या जो है अघ का पाप का लक्षण है। वो अकारण ही दूसरे के सुख को दोष देख करके अपने हृदय में जलन होने लगती है, ये पाप है। तो ग्वालों के सुख को देख करके उस असुर के मन में जलन हुई और वहां के वृंदावन में नीचे अपना नीचे और ऊपर ऐसा मुंह फैला के बैठा कि सब इसमें घुस जाए और नष्ट हो। नारायण ग्वाल वालों ने देखा, बड़े भोले भाले, तो वो तो कहें कि हम लोग अभी वृंदावन में नए नए आए हैं, ये वृंदावन की कोई विलक्षण शोभा है जो हम लोगों ने नहीं देखी है, देखो अजगर की तरह मालूम पड़ता है। अब महाराज पहले बछड़े घुस गए, श्री कृष्ण को पीछे छोड़ दिया, वन की शोभा देखने लगे। तो जहां भगवान से विमुखता आती है वही कष्ट आता है। संसार में दुख की कौर है ये आप अपने हृदय में नोट कर, दुख की वही है जिसको भगवान का स्मरण है। एक साथ मनुष्य अपने को दुखी देखे और साथ साथ भगवान को भी देखे, अपने को भी देखे और भगवान को भी देखे, संसार को भी देखे और भगवान को भी देखे, दो काम एक साथ नहीं हो सकते। या तो संसार को देख लो, या तो दुखी मैं को देख लो, और या तो भगवान को देख लो। कि ग्वाल बालों से त्रुटि कहां हुई कि उन्होंने श्री कृष्ण को तो देखना बंद कर दिया, उनको कर दिया पीछे और स्वयं देखने लगे शोभा। शोभा देखते देखते पहले बछड़े गए अजगर के मुंह में, देवता ऋषि मुनि और फिर ये भगवान के नित्य पार्षद सघात सका संघाती भी, वो भी पाप के मुंह में अगमय पाप अघासुर के मुंह में अघुस गए। लेकिन उनको एक विश्वास बना था कि यदि हम उनको पीछे छोड़ते भी और कहीं घुस जाएंगे अजगर के मुंह में तब भी वे हमारी रक्षा करेंगे, ये विश्वास बना था। तो महाराज वे घुस गए, वो भक्त तो कहाँ रहते हैं जहाँ भगवान, भक्त ये भगवान ये नहीं देखते कि ये नीच का घर है कि ऊंच का घर है कि पापी का घर है कि स्वयं पाप है। जहाँ उनका भक्त जाता है उसके पीछे पीछे भगवान भी जाते हैं, और जहाँ भगवान जाते हैं वहाँ पाप पाप नहीं रहता हो। अघासुर का उद्धार हो गया, उसमें से एक आत्म ज्योति निकली और वो श्री कृष्ण के शरीर में मिल गई। विश्व के इतिहास में महाराज ऐसा कहीं कोई प्रसंग नहीं आता कि मूर्तिमान साक्षात पाप को ही भगवान अपने में मिला लें, उद्धार कर लें और पाप को अपना स्वरूप बना दे, ऐसा कहीं कोई दृष्टांत नहीं मिलता है। अद्भुत कृष्णा अद्भुत कर्म है, श्री कृष्ण ने एक अद्भुत कर्म एक अद्भुत लीला की। अब तो महाराज बाजे बजने लगे स्वर्ग में आश्चर्य, और उस बाजे की ध्वनि गई ब्रह्मलोक में और ब्रह्मा जी ने कहा हमारे दरवाजे पर ये क्या उत्सव हो रहा है। अपना काम छोड़ते महाराज, ब्रह्मा जी का तो काम है, बना बनाया जीव पहले से अनादि है और उसका अंतकरण भी अनादि है, उसमें पाप पुण्य के संचित संस्कार भी अनादि है, उनके अनुसार सबको कटाकट 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 शरीर देते हुए और जाओ तुम इस जोनी में जाओ तुम इस जोनी में जाओ, वो गुर्जे जोड़ते हैं वो, ना उनके पास मैटर है और न जीवात्मा है, वो तो बस केवल सांचे में ढालते जाते हैं काम में लगे हुए। क्या आश्चर्य हो रहा है बाबा, बाहर निकले
तो मालूम हुआ और पास है, तो स्वर्ग है तो देखा और पास है, तो वहां से ब्रज में आ गए। ब्रज में आ गए तो देखा कि अरे यहाँ तो पाप जो है वो श्री कृष्ण के शरीर में ज्योति बन करके प्रविष्ट हो गया। झट उनको चारों वेद का स्मरण हो गया, चारों वेद में कहीं ऐसा लिखा है पाप की आत्मिक ज्योति भी श्री कृष्ण से मिल जाती है, करे नहीं है। अरे इन्होंने तो विधि विरुद्ध, विधान के विरुद्ध, संविधान वेद शास्त्र के विरुद्ध इसका उद्धार किया। तो ये परमात्मा हो तब तो कर सकते हैं, और कोई दूसरे हो तब तो ये नहीं कर सकते हैं। कहता चलो संशय हो गया हूँ, और कोई मंजुल महिमा इनकी देखें, दृष्टुम मंजुमहित्वा वो चाहेगा। जब तक वो ब्रज में आए तब तक यहाँ क्या हुआ कि श्री कृष्ण ने सबको अघासुर के मुख से मुक्त करके और कहा कि अब आओ दिन चढ़ जाया है, थोड़ा खा पिए। महाराज यमुना जी के कुलिंग में ले गए। अब वैसे तो आप देखो कि जितने छींके थे और भोजन की सामग्री थी वो यदि ग्वाल बालों के कंधे पर थी तो उनके साथ वे अघासुर के मुंह में गए थे, और यदि उनके साथ नहीं थी पेड़ों पर लटकी हुई थी तो फिर लौट के उन्होंने उतार लिया, और उतार के महाराज हंसते खेलते जमुना के कुलिंग पर जाके बैठ गए। और अभी देखो आप नन्हे से कृष्ण को देखते चल रहे हैं, ये नन्हे मुन्ने कृष्ण है सांवरे सलोने, और जाके ग्वाल बालों के बीच में बैठ गए। सदा यह सांभो रोह कर्णिकाया, जैसे कमल में बीच में गति होती है कर्णिका और चारों ओर मंजरी और दल होते हैं, ऐसे श्री कृष्ण को बीच में बैठा के ग्वाल बाल बैठ गए। अपरे अमरात लीला, ये ग्वाल बालों के साथ कोई विचित्र रासलीला हो रही। अब जितने ग्वाल बाल सबको ऐसा मालूम पड़े कि हमारे सामने कृष्ण बैठे हैं और हमारे सामने हमारी ओर देख रहे हैं और हमारे साथ खा रहे हैं, ऐसे महाराज खाने पीने की लीला लगी। अब न ग्वाल बालों को याद है कि ये भगवान हैं और न भगवान को ख्याल है कि हम इनके मालिक हैं, सब एक में बैठ करके खाने लग गए हो। विभ्रद्वास विभ्रद्वेणु जठर पटयो हो कवलम तत्फलांगुलिषुन्मे स्वपरितुहृदो हासयन नर्म विश्व स्वर्गे लोके मुशति बुभुजे जगभुक्वालते। वेणु को फेंटे में खोंच लिया, सींग और बेंत को कान के नीचे दबा लिया, और बाएं हाथ में दही भात और दही भात का गोला और अंगुलियों में अचार बचार दबा करके और एक हाथ से खाते पीते हंसाए। पंडित लोग जब भोजन करते हैं तो शास्त्र में विधान है उनको मौन होकर भोजन करना चाहिए। अब ग्वारिया भोजन करेंगे तो क्या मौन होकर करेंगे, वो तो हंसाए और हंसावे। और महाराज मधुमंगल खा रहा तो खीर आई सामने, तो उठा के बाल्टी की खीर लगा दी मुंह में और जूठा कर दिया सब प्रसाद। अब वो गिरे खीर उसके पेट पर तो कृष्ण कहे देखो ओ बामन पेटू बामन है, ये सोचता है मुंह में से पेट में भेजेंगे तो देर लग जाएगी, ये तो नाभि में से डाल के तुरंत ही पेट में पहुंचा रहा है। वो महाराज हंसे खेले ये गोविंद लीला अमृत में ये लीला है। अब ग्वाल बालों को इतने में स्मरण हो गया अपने बच्चों का, तो बछड़े अलग क्यों हो गए, वहां साफ है तृण लोके न गर्म, बछड़ों को इनके का लोभ हो गया कि यहाँ हरी हरी घास बहुत है और वो भगवान की ओर पीट करके उनसे दूर चले गए। और ग्वाल बाल जो खाए रहे थे श्री कृष्ण के साथ वो उचक उचक के देखे हमारे बछड़े कहाँ गए। अब श्री कृष्ण ने देखा कि भाई इनका मन तो हमारे पास है नहीं, बछड़ों की हुई घास में आसक्ति लोभ आकर्षण और ग्वाल बालों का आकर्षण हुआ बछड़ों।
घरों में और श्री कृष्ण को ज्यों के त्यों वहां बैठे रह गए। अब श्री कृष्ण ने देखा कि भाई इनका मन तो कहीं और है, तो चलो बंधनों को ढूंढ करके ले आवे, आप क्रम से चलिए आगे। देखिए क्या हुआ, भगवान से दूर करने वाली चीज अगर दुनिया में है तो लोग है, अन्य शक्ति है, वो भगवान से दूर हो गया नारायण। अब श्री कृष्ण ने कहा अच्छा अच्छा तुम लोगों को बछड़ों की बहुत फिक्र है तो तुम लोग भोजन में बाधा मत डालो, हमारे भक्तों के भोजन में भोग में बाधा नहीं पड़नी चाहिए, हम जाके दे आते हैं, तुम लोगों की सेवा हम करेंगे, तुम बैठ के भोजन करो। अब उधर महाराज ब्रह्मा जी ने क्या सोचा कि ये श्री कृष्ण ने वेद शास्त्र के विरुद्ध काम किया है, अघ को आत्मदान अघ को मुक्तिदान, तो कुछ इनकी भगवत्ता प्रकट होनी चाहिए। तो महाराज उधर उन्होंने बछड़ों को चुरा लिया क्योंकि भगवान से विमुख थे, और उधर ग्वालों को चुरा लिया और चोरी करके उनको समाज निद्रा में सुला के गुफा में डाल दिया और बंद करके चले गए। और दूसरी जो बीच में छोटी छोटी बातें हैं उनको हम छोड़ देते हैं। अब भगवान ने देख लिया कि हाँ ब्रह्मा जी ने हमारे ग्वालों को बछड़ों को सबको चुरा के कहीं डाल दिया। अच्छा तो भाई किसी को जब अपनी महिमा दिखानी हो तो जिस विषय में वो जानकार हो, तो व्याकरण का पंडित हो तो उससे व्याकरण की बात करें, वेद का पंडित हो तो उससे वेद की बात करें, तब वो समझेगा कि ये हमसे अधिक वेद जानते हैं, ये हमसे अधिक व्याकरण जानते हैं। तो भगवान ने कहा था ब्रह्मा जी को सृष्टि बनाने में निपुणता है, उनकी चातुरी किस बात में है, सृष्टि बनाने में, तो आओ हम भी बना लें। कैसे बनाएंगे, देखो न तो जीव है, एक भी दूसरा जीव नहीं है, और देखो ये सृष्टि का रहस्य समझाते हैं, कोई जीव नहीं है और कोई अंतकरण नहीं है और कोई पंचभूत का मैटर मृतक मिट्टी नहीं है, न माटी है न चाक है न सूत है और न कल्पना है कि किस प्रकार का घड़ा बने, न संचित है न प्रारब्ध है, जीव ही नहीं है। और भगवान ने नारायण जितने ग्वाले थे जितने बछड़े थे, ग्वालों के पास जितनी छड़ी थी जितने बाजे थे जितने चीके थे जिसकी जो शकल सूरत थी, कोई लंगड़ा था हो भगवान को हंसाने के लिए कोई लंगड़ा के चलता था, कोई छह अंगुल वाला था बोला, कोई काला था कोई गोरा था कोई नाटा था कोई लंबा था, किसी का नाम रेंगू था किसी का नाम पिंगू था, है ना, तो मधुसूदन था मधुमंगल था कुसुमासव था सुबल था श्रीरामा था स्तोक कृष्ण थे, सबका तो नाम महाराज हजारों सखाओं का हजारों नाम हजारों रूप, उनके कपड़े लत्ते उनके भाव उनकी पहचान, और जितने बछड़े थे महाराज बस सबका वही नाम वही रूप वही रंग वही उम्र, सब अपनी अपनी माओ को पहचानते थे वो, और सब ग्वाल बाल अपने घर को माता को पिता को संबंधी को पहचानते थे, अपना नाम पहचानते थे, सारा ब्रज कृष्णमय हो गया। देखो जावत जष्टि विषाण वेणु दलते यावत विभूषाम्बरम, सब सब श्री कृष्ण सर्वम विष्णुमयम गिरोंगवदज सर्वस्वरूपो बभौ, नाम अलग अलग रूप अलग अलग गुण अलग अलग आकृति सबकी आकृति अलग अलग, माता अलग पिता अलग घर अलग और सब कौन श्री कृष्ण, सब व्यवस्था चलने लगी, एक वर्ष तक चलती रही हो। देखो जो एक था वो अनेक नाम रूप धारण करके वही प्रकट हुआ, ब्रह्मा जी तुम जीव रहने पर सृष्टि बनाते हो अंतकरण रहने पर बनाते हो
और भौतिक वस्तु रहने पर बनाते हो, देखो हम बिना किसी के भी बनाते हैं, देखो कुछ नहीं में ये कुछ की सृष्टि कैसे होती है। जब ब्रह्मा जी लौट के आए और देखा अरे व्यवस्था तो बिना जीव के, बिना अंतकरण के, बिना कर्म के, बिना प्राकृतिक पदार्थ के सारी व्यवस्था तो वहां ज्यों की त्यों चल रही है। ये भगवान की क्या लीला है महाराज, जाके देखा तो पहले वालों को जहाँ सुनाया था वहाँ सो रहे हैं और यहाँ दूसरे काम कर रहे हैं, बार बार जाए आवे। अंत में महाराज अत्यंत सम्मोहित होकर के करके निज महिमने स्व प्रमिति के परत्राजा तो तन्निरसन मुख ब्रह्म संतो अनिते विद्रष्टुम किमिदमिति वा मुज्यत सति यथादाजो ज्ञात्वा सपदि परमो जाजवनिका। ब्रह्मा जी ने देखा कि एक एक बछड़ा, एक एक ग्वाल, हजार करोड़ सबके साथ ब्रह्मा है, चार मुंह से, आठ मुंह से, सोलह मुंह से, सबके साथ शंकर हैं, सबके साथ विष्णु हैं, सबके साथ प्रकृति, स्वभाव, काल, देश, जो अमूर्त पदार्थ हैं वो भी लगे हुए हैं। एक 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 कृष्ण की मूर्ति अनंत अनंत ब्रह्मांडों को धारण करते और वहाँ क्रीड़ा कर रही है। ब्रह्मा जी गिर पड़े भगवान के चरणों में, देखा कुछ नहीं, अरे ये तो अद्वैत ब्रह्म है। देखो ये है पुराणों की शैली, ये है भागवत की शैली। आपको एक ग्वाले के घर से बछड़ों के साथ और ग्वाल बालों के साथ और एक नन्हे से बालक के साथ लेकर वन में गए, वहाँ भव वन में विहार किया, वहाँ भगवान से विमुख हो गए, वहाँ अधग्रस्त पापग्रस्त हो गए। यदि भगवान पाप से न छुड़ावे महाराज, न हो हमारी रक्षा करने वाला, तो हमको जगह जगह पाप के मुंह में, अघासुर के मुंह में चले जाए। वहां से निकाला, अपने साथ तेल मेल में लगाया, वहां भी विघ्न आ गया, विघ्न से सब विमुक्त हो गए। वहां भी देखा ये ब्रह्मा जी की जो चातुरी है वो कोई काम नहीं करती है, भगवान की ऐसी लीला। अद्वय ब्रह्म, परमात्मा के सिवा दूसरी कोई वस्तु नहीं है। सृष्टि जो हम लोग देखते हैं वो वैसी है, भगवान ने अपनी लीला में जैसी सृष्टि ब्रह्मा जी को दिखाई थी वैसी ये सृष्टि है। इसमें भी स्त्री है, पुरुष है, माँ है, बेटी है, बेटा है, पशु है, पक्षी है, बिना जीव के, बिना अंतकरण के, बिना कर्म के, बिना दूसरी सामग्री के, शून्य भीति पर चित्र रंग नहीं, तन बिन लिखा कि तेरे केशव कहीं न जात का कहिए, ऐसी चित्र, ऐसी चित्र मई सृष्टि भगवान में ये भगवत तत्व परजन पहुंचा दिया। उसके बाद महाराज ब्रह्मा जी स्तुति करके गए, तो वो जो अजगर का शरीर था ना उसमें ग्वाल बाल खेला करते थे। ये क्या हुआ, ये जीवन मुक्ति का विलक्षण, जीवन मुक्ति का विलक्षण आनंद हो गया। जो पहले अजगर था अब वही मुर्दा सांप की केतुल बन गया, उसमें कुछ तत्व नहीं है और जैसे मौज हो वैसे बालक खेले। आप भगवान की लीला सुनिए, आप पहले समझेंगे कि किसी बालक की कथा है और प्रत्येक लीला में अंत में देखेंगे कि वो तो साक्षात ब्रह्म प्रत्यक्ष चैतन्या भिन्न है, अपनी आत्मा से अलग नहीं है और उससे हमारी आत्मा अलग नहीं है। ये बात ब्रह्मा भी जो सैकड़ों ब्रह्मा, प्रत्येक बछड़े के साथ ब्रह्मा, प्रत्येक ग्वाल के साथ ब्रह्मा, ब्रह्मा ने कहा अरे मैं, ये सब ब्रह्मा कहाँ से आ गए, अरे ये तो भगवान है। तब मैं भगवान से जुदा कैसे, मैं भी वैसे ही भगवान में, मैं भी वैसे ही ब्रह्मा हूँ जैसे ब्रह्माओं को मैं देख रहा हूँ। तो ये भगवान की अद्वितीयता को प्रकट करने के लिए उनके सिवा और कोई नहीं है, ये इस प्रकार की लीलाएं आई हुई हैं, उनको बड़ी गंभीरता से देखना पड़ता है, सुनना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है। आप ये मत समझिए कि आप किताब पढ़ लेंगे तो आप सब समझ जाएंगे, बड़े बुद्धिमान हैं, आप पैसा कमाने की विद्या जानते हैं, तो
तो परमात्मा की विद्या भी जान जाएंगे। ये अलग है भाई, एक वकील डॉक्टर की बात नहीं समझता, एक डॉक्टर वकील की बात नहीं समझता। विभाग सबके अलग अलग होते हैं। ये परमात्मा का जो विभाग है ये निराला है, बिना श्रवण के, बिना कीर्तन के, बिना स्मरण के ये ध्यान में नहीं आता है। श्रवणम कीर्तनम विष्णो, अभी कल से प्रातः काल वहाँ कथा करेंगे।